दोस्तों बीएड के फॉर्म चल गए हैं, इसमें एक महीने ये फॉर्म चलेंगे, 15 मार्च तक आप भर सकते हो। 11 अप्रैल का पेपर है इसमें। जून 2018 को काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 50% मार्क्स होने कंपलसरी हैं बैचलर और मास्टर्स डिग्री में। एससी एसटी के लिए बस पास होना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स, और अगर आप इसमें चालान निकलवाते हो तो HDFC बैंक में आप जमा करना पड़ेगा बस, और या फिर आप डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जमा कर सकते हो। CISF कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पे भर्ती निकालना है, 447 पोस्ट होंगी, ठीक है। तो ये 19 तारीख से होने स्टार्ट हो जाएंगे, अभी इसमें लिखा हुआ है कैसे कैसे है। और हाइट की अगर बात करें तो 167 हाइट है, 21 से 27 साल तक के इसे भर पाएंगे। इसके लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है, और तुम्हारे पास कोई लाइसेंस हो, हैवी या फिर लाइट, ज़रूरी नहीं है हैवी हो, ठीक है। और बाकी नोटिफिकेशन इसकी मैं पढ़ के बता दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें ये हाई जंप, ये जो भी है आप देख लेना, अभी चले नहीं है ऐसे। यूपी पुलिस का फॉर्म रात बिल्कुल भी साइट नहीं चली, और इसमें अगर देखें तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें फिल करने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी हो, 10वीं चाहिए, 12वीं चाहिए, 10वीं 12वीं और मूल निवास सबको चाहिए ये तो, और किसी भी तारीख का हो निवास। लेकिन जाति OBC के लिए 1 अप्रैल 2017 के बाद की हो, और सभी के लिए, बाकी अगर SC हो आप, ST हो, तो उनके लिए जाति की ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि नहीं हो, उनके लिए पुरानी जाति भी चल जाएगी, ठीक है। 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और यूपी पुलिस का फॉर्म भरने में 505 एरर आ रही थी, एरर नंबर, एरर का कोड आ रहा था, 505 आ रहा था, तो इंटरनल एरर है, ये सही हो जाएगी, टेम्प्रेरी एरर है, पूरी रात साइट नहीं चली। और 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट भी है। अगर नेवी की बात करें तो नेवी AA के एडमिट कार्ड आने लगे हैं, 25 फरवरी एग्ज़ाम डेट दिखा रहा है। नेवी SSR के भी कल अपलोड कर दिए हैं उन्होंने। अब मैंने 81% का भी देखा निकाल के, 82 भी देखा, तो 81-82 से ऊपर ही मेरिट लगी है, क्योंकि 81 और 82 पे दिखा रहा है नॉट शॉर्ट लिस्टेड ड्यू टू लो परसेंटेज, ठीक है। तो 82 से ऊपर ही मानो SSR की मेरिट। नेवी MR और NMR की अगर बात करें तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 3-4 दिन भी हो सकते हो और 10-15 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी UP पोस्ट ऑफिस GDS, इनके 10 स्टेट के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए उन्होंने, जिसमें अभी जल्दी ही में दिल्ली का हुआ था। दिल्ली में लगभग 85% पे मेरिट लगी थी, क्योंकि इसमें कमी वैकेंसी थी, 19 के आसपास शायद वैकेंसी थी इसमें, ठीक। तो ये 10 आपके स्टेट है जिनके लिए अभी लगी थी। अभी जिन्होंने UP पोस्ट ऑफिस का भरा था तो फॉर्म, तो वो वेट करें थोड़ा, जब भी जैसे भी कुछ नोटिफिकेशन आएगी मैं यहाँ पोस्ट करूँगा अपने फेसबुक पेज पे, या फिर वीडियो बना के डालूँगा अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो। इंडियन एयरफोर्स, अभी वीडियो एक वायरल हो रही है कि इंडियन एयरफोर्स का, हाँ मैंने भी देखी है कि डाउनलोड एडमिट कार्ड की लिंक आ गई है, लेकिन वो ऑफिशियल पे नहीं है यार, किसी ने अपनी वेबसाइट पे वैसे ही डाली है। तो अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे एयरमैन सिलेक्शन पे जाके देखें, वैसे तो कोई कुछ भी डाल दे, लेकिन अगर उस पे जाके देखें तो 10 और 11 मार्च 2018 को एग्ज़ाम होना तय हो रहा है। एडमिट कार्ड 1 मार्च के अप्रोक्स आ जाएंगे, मतलब 10 दिन पहले आते हैं एडमिट कार्ड, तो 1 मार्च को एडमिट कार्ड आने के बाद 10 और 11 का पेपर होगा, जो पहले ही डिसाइडेड है डेट, ठीक है। तो CISF के अगर आपने फॉर्म भरे थे, ट्रेड्समैन और फायरमैन के 2 फॉर्म भरे गए हैं, अभी एक फॉर्म और आ जाएगा ड्राइवर का, तो अभी 2 फॉर्म की बात कर लेते हैं। जो ट्रेड्समैन का फॉर्म हुआ था, ट्रेड्समैन के भरे गए थे, उनके तो एडमिट कार्ड रिलीज हो गए, वो आपने निकाल भी लिए होंगे, नहीं निकाला है तो निकाल के देख लो, वैसे उसका शायद पेपर निकल गया, अब तो 5-6-7 में शायद पेपर था उसका। और फायरमैन अगर आपने भरा है, तो अगर आपने फॉर्म भरा है फायरमैन का, तो उसके ऊपर फायर लिख रहा होगा, अगर ये फॉर्म भरा तो इसके एडमिट कार्ड शायद 2-3 दिन या फिर 10-15 दिन में आ जाएंगे, जैसे ही आएंगे, बहुत जल्दी करा देता CISF, लेकिन इसमें थोड़ा लेट हो रहा है, पता नहीं कैसे, जैसे ही आएंगे मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान हाई कोर्ट के फॉर्म निकले हैं, इसमें 18 से 35 उम्र मांग रहे हैं, 10th मांग रहे हैं, ये ड्राइवर के ही फॉर्म हैं, ठीक। तो 13 तारीख लास्ट डेट है इसकी, 12 तारीख से होने स्टार्ट हो गए, महीना भर चलेंगे अभी पूरे, अभी तक भरा नहीं गया, नहीं तो मैं इसकी पूरी डिटेल बताता आपको अंदर क्या मांग रहे हैं, ठीक। ये हो गए आपके राजस्थान के। उसके बाद आता है SSC दिल्ली पुलिस का रिजल्ट, तो ये रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया, आप अगर रोल नंबर और पासवर्ड डालोगे, जो 4 अंकों का पासवर्ड है, उसमें आपके मार्क्स पता चल जाएंगे, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं हुए कि जनरल के अगर इतने नंबर हैं तो आपका नंबर आ जाएगा। जो आपकी आपको गूगल पे डाल के नोटिफिकेशन मिलेगी या आपको मिलेगा कुछ भी कि उस पर लिखा हुआ है कि इतने नंबर, तो उसके ऊपर लिख रहा है एक्सपेक्टेड दिल्ली पुलिस कट ऑफ मार्क, इसका मतलब यार वो उम्मीद करी जा रहे हैं, वो इतने हुए नहीं, वो उम्मीद करी जा रही है बाकी के पिछले साल के आइडिया लगा के कि इतने पर इस बार लगनी चाहिए। तो 78 उसमें जनरल के दिखा रहे हैं,
OBC की दिखा रहे 75 पे लगेगी, SC की 68 पे, ST 67 और एक्स सर्विसमैन की 64। तो ये एक्सपेक्टेड है, शायद इतने पे लग जाए, एक दो नंबर ऊपर नीचे लग जाए, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि अभी आई नहीं है ऑफिशियल। रेलवे ग्रुप डी की अगर बात करें तो रेड कलर के जो दिखा रहे हैं ये 10th पास वाले भरेंगे, ITI वाले सारे ही भरेंगे, ब्लैक वाले भी और रेड वाले भी, मतलब जो 10वीं पास से भरेंगे वो ये पोस्ट हैं आपकी। सिलेबस ग्रुप डी का और रेलवे का और UP पुलिस का मैंने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दिया है और आप इसे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, इंडियन आर्मी में फॉर्म निकल रहे हैं उत्तराखंड के जो चलेंगे 22 मार्च तक, झांसी के निकल रहे हैं जो चलेंगे 26 मार्च तक, छत्तीसगढ़ के चलेंगे 19 फरवरी तक और MP के चलेंगे 20 मार्च तक। ठीक है, और आर्मी में डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको नहीं पता कुछ, मतलब आर्मी में अगर आप फॉर्म भरोगे उत्तराखंड का तो आपको निवासी होना चाहिए उत्तराखंड का, अगर आप बुलंदशहर सहारनपुर जिले के हो तो नहीं भर पाओगे क्योंकि आपके पास आपको आप वहाँ के रहते ही नहीं हो। अगर आप बुलंदशहर के हो, बुलंदशहर की भर्ती आएगी तो आप देखोगे उसे, ठीक है, फॉर्म नहीं भरा जाएगा, वहाँ पे मांगेगा वहीं का एड्रेस, वहीं का ज़िला, वहीं का स्टेट, सब चीज़। ठीक है, तो ये है आपकी कुछ डिटेल, आप इसे पोज करके देख सकते हो कौन कौन से ज़िले की उसमें निकल रही हैं। ठीक, कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें तो भैया कोस्ट गार्ड में फॉर्म चल रहे हैं, आज उसकी लास्ट डेट है, 5 बजे तक चलेंगे, वेबसाइट दिक्कत कर रही है वैसे तो, लेकिन 3-4 बार ट्राई करोगे तो शायद हो जाएगा। कुक और सेवार्ड की निकल रही है, इसमें कोई फीस नहीं जा रही है आपकी। ठीक, और सबसे मेन चीज़ जो आपको बार बार मैं बताता हूँ, कोस्ट गार्ड में 5 मार्च से 12 मार्च तक ही इसके एडमिट कार्ड निकलेंगे, ना तो 4 मार्च को निकलने के या इसके ना इसके 13 मार्च को निकलेंगे। तो जब आप एडमिट कार्ड अगर आपने भरवा लिया है या आप भरवाने वाले हो तो जो फॉर्म आपको मिलेगा भर के उसके पीछे लिख लेना जरूर 5 से 12 मार्च के बीच में एडमिट कार्ड निकलवा लेना। कोई कोई बाद में मतलब ध्यान आती है किसी को कि हाँ एडमिट कार्ड कैसे नहीं आ रहे, तो ये इतनी तारीख को 7 दिन ही एडमिट कार्ड निकलेंगे बस इसके। 18 से 22 उम्र होनी चाहिए आपकी, 1 अक्टूबर 2018 को कैलकुलेट होगी उम्र। तो इस वीडियो में बस इतना ही था जो ज़रूरी जानकारी थी, रात साइट नहीं चली तो मैंने सोचा ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करके वीडियो बना लूँ। ठीक है, तो अगर आपको और ज़्यादा अपडेट चाहिए, रेगुलर अपडेट चाहिए किसी भी फॉर्म की, किसी भी एडमिट कार्ड, किसी भी चीज़ की, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले। मैं वीडियो तो बहुत ही कम डालता हूँ, जरूरी ज़्यादा वीडियो जाती है, ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है तो मैं दोनों तीनों जगह पोस्ट करता हूँ, फेसबुक सब चीज़ सब जगह। अगर आपको कुछ भी पूछना है कुछ भी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।